हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाऊंगी प्याज टमाटर का ये रायता। तो जैसा कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप घर में पड़ी हुई कम चीज़ों में भी अच्छा खाना बना सकते हो और इस तरह बना के खाने में वेरिएशन ला सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ खाली टमाटर और प्याज का यूज़ करके बनाऊंगी रायता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना रायता। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ टमाटर प्याज, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया। यहाँ पे टमाटर है, प्याज है और साथ में ये लिया हुआ मैंने पुदीना। पुदीना यहाँ पे ऑप्शनल है, मेरे यहाँ पे उगा हुआ है तो मैं निकाल लेती हूँ गमले में से। अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली प्याज और टमाटर से ही बना सकते हो। और साथ में डालूंगी मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च भी नहीं है तो वो भी स्किप कर सकते हो, इसकी जगह आप लाल मिर्च यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह मैं बाउल में डाल दूंगी सारे एक एक करके। अब इसमें डालूंगी मैं नॉर्मल नमक और उसके बाद काला नमक, साथ में ये लाल मिर्च पाउडर और ये चाट मसाला और साथ में ये काली मिर्च का पाउडर। तो इस तरह से ये सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूँगी दही। करीब 2 से 3 बड़े चम्मच डाल दिए मैंने। अब इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स। आप चाट मसाले की जगह भुना हुआ जीरे का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो, अगर वो चाट मसाला नहीं है आपके पास तो। जीरे को खाली तवे पर चटकाइए और चकले बेलन पे पीस के और उसका पाउडर बन जाता है अच्छे से। थोड़ा सा दही और डाल दूंगी मैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये अभी ये ठीक है, तो आप इस तरह से बना के इसको एक डिप की तरह भी खा सकते हो चिप्स वगैरह के साथ। मैं इसको थोड़ा पतला बनाऊंगी, तो इसमें मैंने 2 चम्मच पानी के डाले हैं और अभी ये बन गया रायता हमारा, रेडी हो गया है। तो इस पे मैं थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर और लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करके इस तरह से इसको गार्निश कर लूँगी। तो देखा आपने, 5 मिनट में रेडी हो गया रायता, एकदम रिफ्रेशिंग सा। और बनाइए आप भी और खाइए। और लॉकडाउन में ज़्यादा पैनिक ना हो, जो चीज़ आपके पास पड़ी हुई है घर में या जो जितना मिलता है उसी को बनाओ और अच्छे से रहो, सेफ रहो घर में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।